प्रारंभिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करवा दिया था, ऑडियो एक्सप्लेनेशन जो कि मच बेटर था, आप लोगों को समझ में आया। प्रेडिकेट का मैंने आप लोगों को कॉपी वर्क में प्रेडिकेट का डेफिनेशन भी दिया था, बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग आता है कोई दिक्कत नहीं, आपको एप्लीकेशन को समझना आना चाहिए। सो आज बेटा मैं आप लोगों को काइंड ऑफ सेंटेंसेस समझाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेके सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझा देती हूँ। पेज नंबर 5 एवरीबॉडी ऑफ क्लास 5 ओपन पेज नंबर 5 लास्ट लाइन के एंड दे गेव हिम अ बुक। एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, किसी बच्चे को, किसी लड़के को भी हिम है, उस लड़के को क्या दिया है, एक बुक दिया है। वो ग्रुप ऑफ पर्सन ने दे ने क्या किया है, एक बच्चे को बुक दिया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, क्योंकि वो ही लोग परफॉर्म कर रहे हैं ना, आगे का एक्शन सेंटेंस में आगे अगर दे नहीं होगा वो बच्चे लोग नहीं होंगे, नहीं होगा जो दे रहे हैं, तो फिर आगे का क्या मतलब है सेंटेंस का, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा। वर्ब क्या होगा यहाँ पे, गिव, मतलब गिव इज द पास्ट टेंस ऑफ गिव, सो आपका गिव वर्ब हो गया। हिम अ बुक आपका ऑब्जेक्ट है, सो सब्जेक्ट इज दे एंड प्रेडिकेट इज गिव हिम अ बुक। ये आई होप क्लियर होगा, और नहीं भी होगा आप ऑडियो में जाके सुनना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 6 प्रैक्टिस टाइम 1 क्वेश्चन नंबर ए। मैं क्वेश्चन नंबर ए आपको पूरा मैंने समझा दिया था, पूरा आप लोगों को कॉपी पर दे दिया, तो आप लोगों का पहला तो होमवर्क यही है कि आपको प्रॉपर रीडिंग करना है, बुक भी मेंटेन करना है, कॉपी भी। अगर मैं पढ़ा रही वीडियो देख रहे हो उसके बाद बुक भी पूरी रीडिंग करो, पूरे पेज नंबर 5 की, और प्रैक्टिस टाइम 1 भी करो। अब आगे पढ़ो, काइंड ऑफ सेंटेंसेस पेज नंबर 6। A sentence may be classified according to its purpose. Sentence has four purpose: to make a statement, to ask a question, to command a request, and to explain. चलो, ये clear हो गया। There are four kinds of sentence जो कि बहुत important है, बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो मैं pronunciation समझा रही हूँ। Declarative sentence, imperative sentences, interrogative sentences, exclamatory sentences, pronunciation पे ध्यान देना। ठीक है? पहला है declarative sentence. A sentence that states or declares a statement is called a declarative sentence or assertive sentence. Or it may simply be called a statement. We put a full stop at the end of a declarative sentence or statement as Roman is a student, I go to my school. To change positive sentences into negative sentences, we add not, never, no or none. Read the following sentences. Roman is not a student. ठीक है, तो declarative sentence का मतलब होता है सीधे सीधे declaration करना। हमने डिक्लेयर कर दिया, कोई बात बता दी, कोई क्वेश्चन कुछ नहीं, हमने सिर्फ एक बात बोल दिया। मैंने बोला कि योर इंग्लिश टीचर इज श्वेता मैम, दैट्स ऑल। आपको मैंने बता दिया है कि आपकी इंग्लिश टीचर कौन है, श्वेता मैम है। मैंने एक बात डिक्लेयर कर दिया, बोल दिया है, तो उसके लास्ट में हमेशा क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज अ स्टूडेंट, मैंने बोल दिया, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा कि रोहन स्टूडेंट है, रोहन नहीं, नो, रोहन इज अ स्टूडेंट। सीधा सीधा बोल रहा है कि रोहन एक बच्चा है जिसका, एक कोई लड़का है जिसका नाम रोहन है, वो क्या है, वो स्टूडेंट है, फुल स्टॉप। उसके आगे हमने फुल स्टॉप लगाया, हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज कर दिए तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें नो नॉट कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब इसको नेगेटिव में बदलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, रोहन इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। क्या बोलेंगे, रोहन इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, मतलब कि रोहन एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है। यही हमने डिक्लेयर किया है कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम रोहन है, वो अच्छा स्टूडेंट है, नहीं पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन हमने बता दिया। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि हम इसमें डाउटफुल कर रहे हैं, समझ में आया। तो ये आज ठीक है, आज दिस विल बी द एंड ऑफ टुडेस सेशन। डिक्लेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया आप लोगों का, जितना मैम आपको पढ़ाती जाती है, कॉपी वर्क, बुक वर्क और पूरा बुक में जितना रीडिंग करवा रही, करते जाओ। नेक्स्ट मैं आप लोगों को मैं आगे के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझाऊंगी। इज दैट क्लियर? विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।